हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नात के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नात की परिभाषा। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नात कहते हैं। नात की तीन विशेषताएं अथवा लक्षण होते हैं। नंबर एक, नात का छोटा अथवा बड़ा होना। नंबर दो, नात की ऊंचाई तथा निचाई। नंबर तीन, नात की जाति व गुण। नात का छोटा अथवा बड़ा होना। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे अथवा जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि छोटा नाद एवं जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि बड़ा नाद कहलाती है। नंबर दो, नाद की ऊंचाई तथा निचाई। गाना बजाते समय हम अनुभव करते हैं कि सा से ऊपर रे, रे से ऊपर ग और ग से ऊपर म होता है। इसी प्रकार जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो स्वर ऊंचा होता जाता है और जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो स्वर नीचा होता जाता है। नंबर तीन, नाद की जाति व गुण। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ कई और नाद उत्पन्न होते हैं। इन नादों को सहायक नाद कहते हैं। सहायक नाद को सुनकर अलग अलग पहचानना अत्यंत कठिन है। सहायक नादों की संख्या तथा उसकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए सितार का स्वर सारंगी से, सारंगी का तबले से और तबले का स्वर हारमोनियम से अलग अलग होता है। इसी को नाद की गुण व जाति कहते हैं।